चलो तो 0.5 का बोलो डाउट, कौन सा क्वेश्चन? थर्ड, 24 पहले थर्ड देख लो। एक्स प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स, है ना? तो इसका डेरिवेटिव यू बाय वी रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 प्लस लॉग एक्स इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, माइनस न्यूमरेटर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इसका 1, इसका सॉरी 1 का 0, इसका 1 बाय एक्स। ठीक है? अच्छा एलसीएम ले लो, ये बेसिकली 1 बाय एक्स जो है वो ऐसे एक्स आ गया, एलसीएम लेके एक्स इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा और ये सबका डिनोमिनेटर आ जाएगा तो ये एक्स इधर आ जाएगा। ओके और बोलो, हो गए 16th, सेम चीज होगी क्योंकि सेम चीज जा रही है, ए प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए साइन एक्स। तो डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ए का 0 साइन एक्स का, माइनस ए प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इसका 1 का 0 इसका ए कॉस एक्स। ठीक है? अब ओपन करो, जो कट रहा काटो, बात खत्म। देख लो इधर ए साइन एक्स कॉस एक्स विद नेगेटिव एंड ए साइन एक्स कोस एक्स तो कटेगा, तो दिख रहा है कट रही है टर्म्स, है ना? तो देखो कोस एक्स इंटू 1 कोस एक्स, ए साइन एक्स कोस एक्स माइनस ए इंटू ए, तो माइनस ए स्क्वायर कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ए कोस एक्स, तो माइनस ए साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाय किसको? नहीं मेरे को नहीं पता चला, बिल्कुल सही था वो, से सिंपलीफाई हो जाता तो ये इससे कटा। हाँ अब ये कॉमन ले लो कॉस एक्स, तो 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए साइन एक्स का स्क्वायर एंड वी आर डन। ठीक है ना? और बोलो 20 कौन सा बोला था जयंत? नंबर 30 करा दो, मैंने गलत बोल दिया क्वेश्चन। 30th हाँ जी सर, तो उसका आंसर बता दो, मेरा सॉल्व हो गया था, आंसर निकला। तो इसको करने के लिए या तो u बाय v रूल लगाओ, ऊपर कांस्टेंट है तो u बाय v रूल लगाने से बेटर है इसको चेन रूल लगा दो, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर -1। ठीक है? इस पूरी चीज की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव जो करोगे वो क्या जाएगा, पहले पावर -1 का डेरिवेटिव होगा, तो -1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर -2। ये समझे? x की पावर n का रूल लगेगा, बाहर वाला फंक्शन हुआ। एक्स को अगर पुट करोगे तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैलकुलेट होगा, फिर उसकी पावर -1 कैलकुलेट होगा, तो लास्ट वाला फंक्शन बाहर वाला फंक्शन क्या है, पावर -1। तो -1 का पहले डेरिवेटिव होगा -1 एक्स की पावर -1 एन -1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x इंटू ए, तो 2ax प्लस बी एक्स का बी, तो ये क्या बना -1 इंटू दिस, तो -1 इंटू 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव हो जाएगा ना। अच्छा डायरेक्टली यू बाय वी रूल लगाऊंगा तब भी ये आंसर आएगा। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ जयंत? यस हाँ जी। और 20 फर्स्ट क्या हो गया इसमें? और किसी का है 21st? हो गया? और कोई है 21st के बाद? फिर ये लास्ट में कराता हूँ। ठीक है? चलो आ जाओ, लिखो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। सर
देखो प्लीज इसको ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले इसको समझाने के लिए हमें चाहिए टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट ना एक्चुअली में अभी तक जो तुम्हें डेफिनेशन आती है ना, वो सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है, जो सर्कल को टच करके जाती है एक पॉइंट पे, तुम उसको टेंजेंट बोलते हो। बट एक्चुअली में टेंजेंट की डेफिनेशन क्या है, ये आज के बाद याद होनी चाहिए। लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट इज कॉल्ड टेंजेंट। सीकेंट क्या होती है, एक लाइन जो एक कर्व को दो पॉइंट पे कट करके जाती है, उसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड। याद है कॉर्ड एंड सीकेंट सर्कल का, जैसे ये सर्कल है तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, सीकेंट, लेकिन ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ऐसे कोई भी कर्व लो, अब इसके इस पॉइंट पे मेरे को क्या बनानी है, टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बनाया सीकेंट, इस पॉइंट पे सीकेंट, इस तरफ बनाओ या उस तरफ बनाओ फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने इस तरफ सीकेंट बनाया, ठीक। अब इस सीकेंट का क्या करना है, लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस का मतलब ये है कि इस पॉइंट को यहां पे टेंजेंट बनानी है, तो इस पॉइंट को धीरे धीरे करके इसके पास लेते जाओ। तो पहले यहां पे आया तो ये सीकेंट बनी, फिर ये आया तो ये सीकेंट बनी, इतना आया तो ये सीकेंट बनी, इतना पास आया तो ये बनी। तो लिमिटिंग केस का मतलब ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली उसके ऊपर मर्ज कर जाएगा, मतलब इतना पास आ जाएगा कि उन दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू टू क्या होता है, मतलब टू के इतना पास कि उस लिमिटिंग टू को, एग्जैक्ट टू को डिफरेंशिएट ही नहीं किया जा सकता, मतलब इतना टू के पास चला जाता है। लेकिन क्या एग्जैक्टली टू होता है, नहीं एग्जैक्टली टू तो नहीं होता। तो यहां पे मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे लिमिट लगा दी कि दिस पॉइंट टेंड्स टू दिस पॉइंट, मतलब अगर ये पी है ये क्यू है तो लिमिट पी टेंड्स टू क्यू, तब जाके ये जो लाइन होगी राइट सीकेंट क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। तो यहां पे ये बनेगा फिर टेंजेंट, समझ आया। ये इंडिपेंडेंट ऑफ कर्व है, कोई भी कर्व हो, सर्कल हो, रैंडम कर्व, उसके लिए ये डेफिनेशन चलती है। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये नोट करो, मेरे को डायग्राम बनाना है आगे, जल्दी करना प्लीज। ध्यान इधर, ठीक है, फुल फोकस, कन्वेंट छोड़ दो, फुल फोकस, ठीक है, ध्यान से प्लीज। करें, ठीक है, 5-10 मिनट का काम है, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना। डेल्टा का मीनिंग होता है मेजरेबल चेंज, ठीक है, बड़ा चेंज, बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है डेल्टा।
और जो डीएक्स लिखते हैं हम, है ना, डी बाई डीएक्स लिखते हैं, वो जो डी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज, मतलब इतना छोटा चेंज जिसको मेजर ही नहीं किया जा सकता, बट चेंज तो है, राइट right? तुमने सुना होगा फिजिक्स में डेरिवेटिव का मतलब होता है तोड़ना, सुना है? तो वो जो तोड़ता है एक पूरी लेंथ को जितने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, वो dx 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 होता है, और वो dx कितना होता है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल, बात समझ में आया, इतना छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। नाउ तो ये इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज, ठीक है। अब जो dy by dx होता है, राइट, इसके डेफिनेशन क्या है dy by dx की, दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। क्या चीज है ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाय डेल्टा x रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक चीज समझो, एक मशीन है, जैसे मशीन के अंदर अगर इनपुट में चेंज लाओगे तो ही आउटपुट में चेंज आएगा, इनपुट में चेंज नहीं है तो आउटपुट में चेंज नहीं होगा, बात समझ में आ रही है, राइट? अच्छा, इनपुट का चेंज अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, इनपुट में अगर चेंज होगा तो वाई में चेंज आएगा, और इनपुट में चेंज अगर बहुत कम है तो आउटपुट में चेंज रिलेटिवली कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इनपुट में चेंज अगर जीरो की तरफ जाएगा तो आउटपुट में भी चेंज जीरो की तरफ जाएगा। खुद सोचो ये चीज, ये पूरा डायग्राम एनालाइज करो, ये फंक्शन, ये पॉइंट दिया ए, ए पे आउटपुट एफ ऑफ ए, ये एच डिस्टेंस आगे जाके पॉइंट दिया ए प्लस एच पे आउटपुट एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये है तुम्हारा डेल्टा एक्स, हाँ या ना, दैट इज एच। तो अगर डेल्टा एक्स को जीरो करूंगा, यानी कि ये वाला पॉइंट धीरे धीरे करके पास आएगा 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 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट जब पास आएगा ऐसे करके, तो क्यू पॉइंट पहले इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, तो इसका जो डेल्टा वाई है वो भी नीचे नीचे आता जाएगा, तो डेल्टा वाई भी तो कम होता जाएगा। तो अगर डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ जाएगा, ये समझ में आया। ऑब्वियसली इनपुट में चेंज लाओगे तो आउटपुट में चेंज आएगा, और इनपुट में चेंज अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो आउटपुट का चेंज भी जीरो की तरफ जाएगा। तो यस, इट्स अ जीरो बाय जीरो फॉर्म, डेल्टा वाई बाय डेल्टा, इट्स अ जीरो बाय जीरो फॉर्म, राइट? तो इसका जब हम लिमिट लगा देते हैं कि डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टेंड्स टू जीरो का मतलब कि इनपुट वाला जो चेंज है वो इन्फिनिटेसिमल स्मॉल की तरफ जा रहा है, तो डी डेल्टा जो है वो डी में कन्वर्ट हो जाता है, वो बन जाता है हमारा डी वाई बाय डी एक्स। ये इसकी डेफिनेशन है, क्लियर हुआ? ठीक। नाउ इस चीज का यहां पे देखो जरा, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया ए पे, एक पॉइंट क्यू लिया ए प्लस एच पे, अब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करना है इसके अंदर। नाउ डेल्टा एक्स इज नथिंग बट एच, तो डेल्टा एक्स जीरो करना मतलब एच जीरो करना। नाउ एस एच टेंड्स टू जीरो, तो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जा रहा है तो ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि क्यू पॉइंट धीरे धीरे करके पी की तरफ आ रहा है, क्यू पॉइंट पी की तरफ आ रहा है, हाँ ना, श्योर, पक्का? नेक्स्ट, सेकेंड, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है एंड सो इज डेल्टा वाई जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, सो डेल्टा वाई जीरो की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब मेन चीज, जब क्यू पॉइंट इधर आ गया तो ये जो पी क्यू सीकेंट है, पी क्यू सीकेंट है ना, इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करके जा रही है, तो ये बन जाएगी ऐसे 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 ऐसे, लिमिटिंग केस में टेंजेंट एट पी, हाँ यार, लेट से टेंजेंट का एंगल है थीटा एंड सीकेंट का एंगल है फाई, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जो सीकेंट पी क्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी टेंजेंट एट पी में, हाँ यार, ये क्लियर हुआ, राइट? देन फोर्थ पॉइंट, ये जो एंगल है, जैसे जैसे देखो ये सीकेंट नीचे की तरफ जा रही है, तो एंगल जो फाई था इसका ओरिजिनल, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर टेंजेंट के एंगल थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, तो फाई टेंड्स टू थीटा। ये चीजें समझ आई ऑनलाइन, प्लीज कंफर्म करो। यस सर, राइट। अब आ जाओ, अब हम डेफिनेशन को यूज करें डीवाई बाई डीएक्स की, राइट, निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाला, तो डेल्टा वाई क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या आ रहा है, एच, एंड दैट इज इक्वल टू, अब देखो ये ट्रायंगल देखो जरा, इस ट्रायंगल के अंदर डेल्टा वाई का हाइट, डेल्टा वाई क्या है, हाइट, डेल्टा एक्स क्या है, बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या जाएगा, इस एंगल का टेन, तो टेन ऑफ फाइव, ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू टेन, अभी तक लिमिट नहीं लगाई मैंने, अब लिमिट लगाऊंगा, तो इसके ऊपर लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो,
इसके ऊपर डेल्टा एक्स नहीं है, एच है, तो ये वाली लिमिट लगा दो इसमें से पिक करके, एच टेंस टू जीरो। इसके अंदर फाइव है तो फाइव की लिमिट लगेगी, लिमिट फाइव टेंस टू, तो ये बन गया मेरा dy by dx, ये as it is, that is limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h and that is equal to tan theta. I hope ये चीज क्लियर हुई, याद है ये चीज देखी हुई है तुमने, फर्स्ट प्रिंसिपल, a की जगह x डाल दो तो इंटरनल आ गया, x की जगह a डाल दो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, I hope क्लियर हुआ, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पता चला कहां से आया, बेसिक डेफिनेशन को यूज करके आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड डेल्टा x टेंड्स टू 0, दैट्स इट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जिसको बोलते हैं, दैट इज योर dy by dx, हर मूवमेंट पे रेट चेंज बता रहा मैं आपको। हां जी रीत, सर आप एक बार लास्ट पॉइंट पिक कर दोगे, थोड़ा नेट इशू आ गया था मेरी, मैंने रीत कुछ नहीं बोला, इसके अंदर मैंने लिमिट लगा दी, अब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसमें h टेंड्स टू 0, इसमें phi टेंड्स टू थीटा, और ये बन गया tan थीटा। Yes, sir. अब देखो ध्यान से ऑब्जर्व करना ये चीज, मैंने टेंजेंट को थोड़ा एक्सटेंड किया, तो टेंजेंट का अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा तो ये एंगल क्या होगा, तो टेंजेंट एट द एंड है तो एक स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एंगल मेरे को अगर एक्स एक्सिस के साथ पता है तो इसका स्लोप पता है, स्लोप विल बी tan थीटा, तो बेसिकली ये जो tan थीटा है दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, हाँ है ना, एंड दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव एट पी, ये क्या चीज है, डेरिवेटिव एट पी, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं और ए पॉइंट क्या है मेरा पी, तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होता है वो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी कर्व की उसकी टेंजेंट का स्लोप होता है, तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब अब ध्यान से देखना, ठीक है, मान लो मेरे पास है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, रैंडम कर्व, रैंडम मेरे को नहीं पता कैसे है अभी, रैंडम कर्व मैंने बनाई, नाउ इसका वो बोल रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 का मतलब डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 बोल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 निकालूंगा, तो इसका डेरिवेटिव करो क्या आ गया, y डैश इज 2x प्लस, तो x को 1 पुट कर दो क्या आ गया, तो x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, 3, जो 1 पुट करके आया, डेरिवेटिव के जो वैल्यू है x फंक्शन का, फंक्शन के जो डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी वो उस फंक्शन के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट जो टच करके जाएगी, राइट, उसकी स्लोप होगी, ये हमने यहां से प्रूव किया, तो ये मीनिंग है इसका। अब मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, सोच के, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, श्योर, तो अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, राइट, ऐसा कर्व है, तो इसके इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, आई होप ये चीज क्लियर रही, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, राइट, तो जो कांस्टेंट फंक्शन है उसके तो हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो तो खुद ही है, कांस्टेंट फंक्शन जो है वो तो हॉरिजॉन्टल होता है, कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू c, तो उसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो क्या होगी, वो खुद ही होगी, ये समझ रहे हो, ये कर्व है, ध्यान से देखना, ये अच्छा चीज है, ये कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाने में क्या करूंगा, सीकेंट बनाऊंगा, सीकेंट का लिमिटिंग केस बना दूंगा टेंजेंट, हाँ या ना, तो अब मेरे पास अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है, तो मैं इसका सीकेंट बनाऊंगा, तो ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बनाएगी, वो तो ये लाइन आ गई, फिर इसका लिमिटिंग केस धीरे धीरे करके पास लाया, वो तो ये लाइन बनेगी, तो एक लाइन की इस उसके ऊपर आने वाले एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो खुद ही होगी, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, उसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो वही लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, तो भैया डेरिवेटिव जीरो होगा, इसलिए वहां पे बॉक्स एक्स का डेरिवेटिव जीरो आ रहा था, क्योंकि बॉक्स एक्स का एक्चुअली में देखो जो ग्राफ होता है
हर एक इंटरवल में हॉरिजॉन्टल होता है, हर एक, तो हर एक इंटरवल में उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? मैंने इसीलिए तुम्हें बोला था, मेरे को देख के पता चल जाता, तुम्हें भी देख के पता चलेगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, इनका मीनिंग क्लियर होगा फिर जाके पता चलेगा, बट क्लियर हुआ ये पूरा का पूरा? श्योर अभी डेरिवेटिव को समझ आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो, शाबाश, जल्दी करना प्लीज। आवाज नहीं, कुछ डाउट है तो पूछो। फोन थे? अरे वही रीडिंग वाला। मैथ्स को रीड करने वाला। बस 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 मास्टर लास्ट पॉइंट चेन रूल है ना। ध्यान से देखना ठीक है, जो हमने यहां पे देखा था लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ये एक्चुअली में h नहीं था, ये क्या था x प्लस h डेल्टा y बाय डेल्टा x ना, राइट तो बेसिकली चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। अब ध्यान से देखो इधर f ऑफ g ऑफ h x प्लस h माइनस f ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट h टेंड्स टू, ये निकालना है हमें राइट। अब मेरे को एक चीज बताओ f के अकॉर्डिंगली इनपुट क्या है? g ऑफ x प्लस h, हाँ है ना, तो यहां पे इनपुट है तुम्हारा ये एंड यहां पे इनपुट है ये, तो जो f का डेरिवेटिव होगा वो चेंज इन आउटपुट, तो f का आउटपुट फाइनली यहां पे किसका आएगा? f का, लेकिन f का इनपुट क्या है? g, तो यानी कि अगर मेरे को f का डेरिवेटिव करना है तो उसके डिनोमिनेटर में उसका इनपुट का चेंज लाना पड़ेगा, यानी कि मेरे को चाहिए डिनोमिनेटर में g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x, राइट, तो वो टर्म को जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये समझ आया? अब ये चीज क्या बन गया, ध्यान से देखना, दिस इज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, लेकिन किसका? एफ का, ये एफ का चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट है, तो ये किसका डेरिवेटिव जाएगा? एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, और इनपुट क्या है? जी, तो ये चीज बन जाएगी एफ डैश जी ऑफ एक्स, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू उसका इनपुट, इनपुट क्या है? जी, तो एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी इनटू, अब ये जो चीज है ये इसके नीचे ले आओ, अब ये क्या बन गया? जी डैश एक्स, जी का डेरिवेटिव उसके इनपुट के विद रिस्पेक्ट टू, तो दैट इज, तो इसलिए ये चीज आ जाती है चेन रूल में हमारे, ठीक है, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर वाला एज इट इज इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, बड़ी सिंपल सी चीज थी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, चलें, तो वी आर डन विद द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में अगेन हमने क्या किया, स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं, फर्स्ट प्रिंसिपल ठीक, देन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट रूल डिविजन रूल एंड देन फाइनली कॉम्पोजिट फंक्शन समझते हुए चेन रूल, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ था नहीं इसके अंदर। रेट चेंज, डीवाई बाई डीएक्स क्या है? रेट चेंज, एक्चुअली में स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, तो ये फंक्शन को एनालाइज करने के काम आता है। मान लो ये मैंने क्या किया, वाई इक्वल टू इसका डेरिवेटिव वाई डैश क्या आ गया, राइट, मैंने ये देखा कि ये पॉजिटिव कहां पे है, तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन बाई टू पे, मतलब माइनस हाफ के इधर इधर इसका डेरिवेटिव जो है डीवाई बाई डी एक्स, राइट, वो क्या है? पॉजिटिव, एंड इसके पहले पहले ऑब्वियसली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एंड एग्जैक्टली माइनस हाफ के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? जीरो, हाँ जाना, ये चीज क्लियर हुई। अब डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ राइट, मतलब
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का जो साइन होगा वही डी वाई बाय डी एक्स का साइन होगा यार, साइन थोड़ा ना चेंज कर जाएगा, राइट। अच्छा डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन एक्स। अब हम जब इनपुट को हमेशा हम बढ़ाते हैं, कम तो करेंगे नहीं, जैसे टाइम है, टाइम टाइम हमेशा बढ़ता है, तो डेल्टा एक्सिस आर ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि डेल्टा एक्स एच होता है, याद करो। अब अगर डेल्टा वाई पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यानी कि डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब डेल्टा वाई पॉजिटिव का मतलब आउटपुट बढ़ रहा है, और अगर आउटपुट कम हो रहा है तो डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर आ गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब है इनपुट डेल्टा एक्स तो है ही पॉजिटिव, तो डेल्टा वाई भी पॉजिटिव, मतलब इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट भी बढ़ रहा है, हाँ या ना। और अगर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया नेगेटिव, मतलब इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हो रहा है, हाँ या ना, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन मतलब इनपुट के बढ़ने पे एक्स बढ़ेगा ना लेफ्ट टू राइट, तो आउटपुट बढ़ा, इसका मतलब ऐसा इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हुआ, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको बोलते हैं डिक्रीज। इट्स अ नेचर ऑफ फंक्शन कि भैया इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो ये फंक्शन को एनालाइज करने के काम आता है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी और चीजें हैं। अब जैसे इसका इस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा, तो इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट पता चल गया मेरे को, हाँ या ना। अब देखो अगर ये फंक्शन हुआ नीचे से ऊपर जाके ऐसे वाला, तो इसकी हाइट बड़ी 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 यहां पे टर्निंग पॉइंट पे सबसे ज्यादा जाएगी, फिर कम होनी शुरू हो जाएगी, और हाइट क्या होती है फंक्शन का आउटपुट। तो एक्चुअल में इस पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमा या मिनिमा। और अगर फंक्शन ऐसा हुआ तो हाइट, सॉरी हाइट नीचे से होती है ना, हाइट कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई सबसे कम हुई, फिर उसके बाद फिर बड़ी, यानी कि इस पॉइंट पे होगा मिनिमा, एग्जैक्टली। तभी तुम डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो कर देते हो फिजिक्स में, मैक्सिमा मिनिमा के लिए। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा अगर एग्जिस्ट करता है फंक्शन का, कहां पे करेगा, टर्निंग पॉइंट पे, जहां पे डेरिवेटिव जीरो होता है, तो तुम डेरिवेटिव करते हो और उसको इक्वल टू जीरो कर देते हो, बात करते हो वहां से जो पॉइंट मिलता है, मैंने क्या किया डेरिवेटिव किया, इसको इक्वल टू जीरो कर दो, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये वो पॉइंट है जहां पे क्या होगा इसका, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा, डिपेंडिंग ऑन फंक्शन ऐसा है या ऐसा है, वो तो फंक्शन की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कुछ पूरा का पूरा एनालिसिस कौन देता है, डेरिवेटिव डीवाई बाई डीएक्स, अरे बहुत काम में आता है, पूरा का पूरा कैलकुलस डीवाई बाई डीएक्स पे है। लेकिन डीवाई बाई डीएक्स को समझने के लिए हमें लिमिट्स आना जरूरी है, क्योंकि डेरिवेटिव कहां से आया, लिमिट से, ठीक है। लिमिट्स आने के लिए हमें फंक्शन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो सब कुछ लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है यहाँ पे। आई होप क्लियर हुआ। सो जी, सो फिर वहां पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो आना चाहिए ना, आपने सिर्फ ग्रेटर देन डाला साइन, तो इक्वल भी यहाँ पे, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो अपना तीनों का अलग मीनिंग है, ग्रेटर देन जीरो का, इक्वल टू जीरो का, लेस देन जीरो का, तीनों का अपना मीनिंग है। ओके ठीक है ना, ये आएगा, ये इनफैक्ट 12th के अंदर, ये मतलब ऑलमोस्ट लगा लो कैलकुलस जो है 50-60% कैलकुलस ही है 12th के अंदर पोर्शन, उसके अंदर वन हाफ जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस, अनदर हाफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के अंदर ये सबसे मेजर पार्ट है हमारा, यहां तक पहुंचना है। क्लियर हुआ, चलें, लिखो हेडिंग को इंट्रोडक्शन टू 3D। हाँ बट स्टैटिस्टिक्स होता है डिस्क्रीट वैल्यूज देते हैं, जो नो फंक्शन देते आप मॉडल कर सकते, मॉडलिंग कर सकते हैं, जो अपन मतलब आप जो एक फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिदा स्टैटिस्टिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪ, ਬੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਟਾ ਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰ, ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, क्योंकि साढ़े को स्टैटिस्टिक्स च की डिस्क्रीट पॉइंट्स, एक एक अलग अलग पॉइंट्स है, राइट, कंटीन्यूअस फंक्शन का है नहीं, सो उन्होंने कंटीन्यूअस फंक्शन से कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब फंक्शन के थ्रू इंडिविजुअल पॉइंट ला रहा है और इंडिविजुअल पॉइंट के थ्रू तो फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, दोनों को फर्क है। दूसरा वाला पार्ट है मॉडलिंग करना, एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करना, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना जो कि तेरे डाटा सेट को रिप्रेजेंट करे, राइट, तो फंक्शन को एनालाइज करेगा तो तेरा तेरा डाटा सेट को एनालाइज होगा, ये चीज।
मेरे को अभी पहले ये वाला इंट्रोड्यूस कराने दो, ठीक है? फिर बीच में कभी टाइम मिला मैं डेफिनेटली कराऊंगा, ठीक है? मैंने कल बोला था ना वैसे, तो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे को याद दिला देना, मैं करा दूंगा। पहले भी कराई हुई है, ऐसी बात नहीं है, दोबारा करा दूंगा। इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव लेवल पे तो लोग करना ही है, हम काफी अच्छे से करना है, ठीक है ना? आ जाओ 3D, ठीक। पहले समझो प्लीज, ठीक है? 2D, टू डायमेंशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 3D, थ्री डायमेंशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो अभी जेड इंट्रोड्यूस हो रहा है, राइट? रेंडमली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इंट्रोड्यूस नहीं की जाएंगी, इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसके थ्रू ये जनरेट होती हैं, ठीक है? देखो ये अपना बन गया 2D, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है? पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, ठीक है? अच्छा, अब रेंडमली अगर मेरे पास तीन परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, पूरा लेक्चर तो इसी में चला जाएगा, ये ना बनवा ही लेना मैंने, फिर लगेगा रखूं कहां। हाँ, तो ये तीन परपेंडिकुलर लाइन था, ठीक है? रूम में जो बैठे हो, इसको समझने के लिए उसको ओरिजिन लेके जाओ, ठीक है? एक वो लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन, तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है? ये आपस में, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और नीचे ये भी 90 डिग्री, राइट? अब रैंडमली मैं किसी को एक्स वाई जेड नहीं बोल सकता, रैंडमली नहीं, इनको राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया, जो हम फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इसके थ्रू डिफाइन होता है, राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, ठीक है? तो रूल क्या है, आई क्रॉस जे इज योर के, एक्स एक्सिस क्रॉस वाई एक्सिस इज योर जेड एक्सिस। तो अगर मैंने दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ली, अब दैट पॉजिटिव दैट ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, वो देखने के लिए राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, अपने हाथ को खोलो एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है? मुट्ठी बंद करनी है वाई एक्सिस की तरफ, जिस तरफ थंब पॉइंट करेगा, दैट वुड बी योर रिजल्टेंट दैट पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस ऊपर की तरफ ही आ रही है, अगर मैं इसको एक्स एंड इसको वाई लेके जा रहा हूं, अब अगर मैं इसको एक्स एंड इसको वाई लेके गया, राइट, एक्स एक्सिस क्रॉस वाई एक्सिस इज योर जेड, तो ये पॉजिटिव जेड बन जाए। तो रैंडमली एक्स वाई जेड नहीं बोल सकते, राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हुए मेरे को एक्स वाई जेड को डिनोट करना है। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये तो आता है ना, राइट हैंड थंब रूल आता है ना यूज करना, पक्का ना? तो एक्स वाई जेड हो जाएगा ना पॉइंट, पक्का? ठीक, चले आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट इन 3D। तो पॉइंट जो है वो कहां कहां पे लाई कर सकता है, ठीक है, 3D में। तो रूम में जो बैठे हैं, राइट, उनके लिए क्या होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस। तो सबसे पहला आता है पॉइंट कहां पे लाई कर सकता है, एक्स एक्सिस पे, या तो वाई एक्सिस पे, या तो जेड एक्सिस पे, ठीक? अगेन, ठीक है, या तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, या तो इसके ऊपर वाई के ऊपर, या तो जेड के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ये सही है, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो चलेगा, ठीक है? या फिर ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? मैंने क्या किया, ये एक दीवार बना दी नीचे, ये एक प्लेन बना दिया, ठीक? फिर ये प्लेन बनाया, ठीक? फिर ये वाला प्लेन बनाया, बात समझ में आई, ठीक है? ये क्या प्लेन्स हैं, ठीक है? देखो, एक ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ज्वाइन करके जो प्लेन बना वो एक्स वाई प्लेन बना, ये नीचे जो प्लेन है x एक्सिस y एक्सिस, ये नीचे xy प्लेन आ गया, ठीक? तो ये xy प्लेन, राइट नाउ वी आर इन द फर्स्ट, यहाँ पे ऑक्टेंट बोलते हैं, वो कैसे आया वो मैं बताता हूँ, बट यहाँ पे हम बैठे हैं, ये हमारा, इसको ओरिजिन लेके जा रहे हैं ना, उसको ओरिजिन लेके जा रहे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
एंड ये zx है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे खड़ा हूँ, यहाँ पे हूँ, हाँ बात समझ में आ रही है। तो ये जो नीचे है हमारा जो फ्लोर है वो क्या एक्ट करेगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक। अच्छा ये वाला एक्स जेड एक्सिस को बनके बना है, तो ये वाला फेस क्या आ जाएगा, एक्स जेड प्लेन। ऐसे ये वाला प्लेन क्या आ जाएगा, वाई जेड प्लेन, जेड वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन, ये समझ आया राइट। तो पॉइंट जो है या तो एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, या तो प्लेन के ऊपर लाई करेगा, या तो स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं, मतलब ना एक्सिस के ऊपर ना प्लेन के ऊपर। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, अब ध्यान से देखो जरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आपस में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो पॉइंट जो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये या तो लाई करेगा एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अच्छा यार एक चीज बताओ, 2D के अंदर याद करो ये रूल होता था हमारा कि अगर मैं किसी भी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हूं तो क्या मेरा उस पॉइंट का वाई चेंज करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करें उसी डायरेक्शन का वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो हॉरिजॉन्टल मूव करें तो एक्स चेंज करेगा, वर्टिकली मूव करें तो वाई चेंज करेगा, हाँ या ना, पक्का इधर ही है, ध्यान इधर रखियो, ठीक है, बहुत मारूंगा। 3D के अंदर भी सेम चीज, ठीक है, कैसे, दोबारा आ जाओ, अब देखो ये ओरिजिन 0,0,0, यहां से अगर मैं x एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा हूं तो मेरा yz चेंज, क्योंकि yz की डायरेक्शन में मैं मूव ही नहीं कर रहा, मैं तो x डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो बाकी दोनों डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सेम। तो यानी कि x एक्सिस के ऊपर अगर जाऊंगा तो जो ओरिजिन का मेरा 0,0 है y एंड z का, वो भी 0,0 रहेगा, तो x एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, x,0,0, ये समझ में आया, पक्का, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो x एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट क्या होगा, x,0,0 या फिर a,0,0 इन जनरल, यानी कि उसका y एंड z क्या रहेगा, 0। सिमिलरली यहां से अगर मैं y एक्सिस की तरफ गया तो मेरा x चेंज नहीं होगा, z चेंज नहीं होगा, तो वो उसका y चेंज होगा, यानी कि y एक्सिस के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है इन जनरल वो क्या बन जाएगा, 0,y,0 या फिर 0,b,0। सिमिलरली z एक्सिस के ऊपर आने वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,0,z या फिर 0,0,c। ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बेस है, ये जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना ज्यादा आगे क्वेश्चंस के अंदर हमें डायरेक्टली चीजें पता होंगी, यार सोचना कम पड़ेगा, यही चीजें हैं जो थिंकिंग पॉइंट जो है हमारा फास्ट करती है, ये चीजें हैं, तो इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दो प्लीज। आगे ये चीज देखो, दिस इज कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। अब ध्यान से देखो, जैसे ही नीचे एक्स वाई प्लेन है राइट, अब एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट लो, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लो, ना मैं ऊपर गया ना मैं नीचे गया जेड की तरफ, तो इसका जेड क्या होगा, यस मैं एक्स एक्सिस की तरफ गया हूं, यस मैं वाई एक्सिस की तरफ गया हूं, बट जेड की तरफ, तो इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का जेड क्या होगा, तो जेड इक्वल टू जीरो इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में हर एक पॉइंट का जेड क्या रहेगा, जैसे x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है 2D में, y जीरो राइट, ऐसे इधर z जीरो क्या होगा, ये पूरे प्लेन की इक्वेशन होगी, अभी मैं बना के दिखाऊंगा, पूरा प्लॉट करके दिखाऊंगा, ये क्लियर हुआ राइट, यानी कि इसके ऊपर आने वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, x,y,0 टाइप का, ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो राइट। ऐसे ये प्लेन क्या आ गया, YZ, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट का x, क्योंकि ना मैं x की आगे गया ना मैं पीछे की तरफ गया, x जीरो, तो पॉइंट क्या आ जाएगा इन जनरल, 0,y,0। ऐसे ही ये वाला प्लेन क्या आएगा, एक्स जेड प्लेन, तो इसका y क्या रहेगा हमेशा, यानी कि पॉइंट आ जाएगा 0,x,0,z। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। पॉइंट या तो एक्सिस पे लाई करेगा या तो प्लेन पे लाई करेगा, एक्स वाई प्लेन, तो उसका जेड जीरो होगा, एक्स जेड प्लेन,
तो इसका वाई जीरो होगा, वाई जेड प्लेन, तो उसका एक्स थर्ड वाला कोऑर्डिनेट जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? अभी तक कोई डाउट? अब आ जाओ नेक्स्ट। टू डी के अंदर पूरा का पूरा प्लेन चार हिस्सों में डिवाइड होता है, तो क्वाड, वन फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट बनते हैं। ऐसे ही थ्री डी में आठ हिस्से में डिवाइड हुआ। कैसे ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं विजुलाइज कराऊंगा। एक ये प्लेन बना, एक इधर दीवार बनी, एक इधर दीवार बनी, तो एक हिस्सा, दो हिस्से, तीन हिस्से, चार, नीचे पांच, छह, सात, आठ, टोटल आठ हिस्से बने, तो आठ हिस्से ऑक्टेंट। तो पूरा 3D के अंदर प्लेन्स एंड एक्सिस को छोड़ के क्या बना? आठ ऑक्टेंट। अब हर एक ऑक्टेंट के अंदर एक्स एंड वाई का, एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, राइट? वो कैसे आया वो चीज मैं समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है? पहले ऑक्टेंट देख लो ध्यान से। ऑनलाइन ध्यान से देखना जरा, ये इधर ओके, मैं डर गया, मैं क्या टाइम आ गया किसी और का, मैंने तो सोच भी लिया था क्या बोलना है। देखो जरा यहाँ पे इस तरीके से देखो जरा, ठीक है? तो रेड वाली एक्चुअली में क्या है, तुम्हारी एक्स एक्सिस, ग्रीन वाली है तुम्हारी वाई एक्सिस, एंड ये ब्लू वाली क्या है, तुम्हारी जेड एक्सिस, ठीक है ना? ऐसे ये ऐसे देखो, ठीक है? एरो देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई क्रॉस जे इज योर के, ठीक है? अब जो आठ ऑक्टेंट बनेंगे वो बनाने के लिए मैंने बनाया सबसे पहले एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो देख रहे हो, ये प्लेन बन गया। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। राइट, अब वाई इक्वल टू जीरो, ये वाई इक्वल टू जीरो, एक और प्लेन बन गया, राइट? एंड साथ में फिर जेड, जेड इक्वल टू जीरो ऑलरेडी बना हुआ है, बट वो ब्लैक कलर का नीचे दोबारा बना रहा हूं, ये नीचे भी बन गया, ठीक है? तो टोटल आठ ऑक्टेंट बन गए। देखो ये ऊपर चार ऑक्टेंट, ये ठीक ठीक, एंड नीचे, ये नीचे चार ऑक्टेंट, ऊपर भी चार अभी दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाले भी चार दिखाई दे रहे हैं। बात समझ में आई? लेकिन किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट बोलेंगे, उसका पैटर्न क्या है वो मैं अभी समझाऊंगा। समझ आया ये चीज? दीवारें नहीं, दीवारों के बीच में जो जगह है वो, ये एक दीवार बन गई, ये एक नीचे दीवार बन गई, ये एक दीवार बन गई, ये जो चीज है इसको ऑक्टेंट बोलेंगे। तो आठ ऑक्टेंट बने, ठीक है? ऑनलाइन क्लियर है अभी तक? यस सर। यस सर। राइट, अब इसको यूज कैसे करना है देखो जरा, ठीक है? ध्यान से समझना, इसका 2D से लेना देना, 2D से आया ये चीज, ठीक है? तो देखो एक्स वाई, तो मैं एक्स एंड वाई का देखूंगा, ठीक है ना? अभी पहले एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अब इन चारों के साथ जेड को पॉजिटिव लगा दो, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तुम्हारा क्या बन गया? ऑक्टेंट। मतलब क्या मतलब है इस चीज का, देखो, ठीक है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है? ये मतलब जो मेरा 2D के क्वाड्रेंट्स होते हैं चार, इन्हीं के साथ अगर मैंने Z एक्सिस इंट्रोड्यूस कर दी पॉजिटिव वाली, तो मेरा इस तरफ फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ ऑक्टेंट, बात समझे? और इन्हीं के पीछे, फर्स्ट के पीछे बनेगा फिफ्थ, सेकंड के पीछे सिक्स, थर्ड के पीछे सेवन, फोर्थ के पीछे, तो यानी कि चारों का अगर Z नेगेटिव कर दिया तो फिफ्थ सिक्स सेवन एट, चारों का जेड पॉजिटिव कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनेगा। तो यहां से मेरे को एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर हो गई कि
ऑक्टेंट, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो पहले चारों क्वाड्रेंट का मैं साइन लिखूंगा, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, देन फिर दोबारा यही चारों साइन मैंने रिपीट किए, पॉजिटिव पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के। तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इनके साथ अब जेड को नेगेटिव लगा दिया तो ये बन गया फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो मतलब जो हमारा 2D था, 2D के अंदर अगर मैंने बाहर की तरफ देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड फर्स्ट के पीछे की तरफ देखा फिफ्थ, सिक्स, सेवन, आठ, तो साइन के अकॉर्डिंगली कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी अगर मैंने तुम्हें रेंडमली बोल दिया माइनस टू कोमा फोर कोमा थ्री कौन सा ऑक्टेंट है, तो मैं इन दोनों को देखूंगा, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, क्वाड्रेंट कौन सा है, अगर क्वाड्रेंट 2D की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट, राइट, उसका जेड पॉजिटिव, तो सेकंड ऑक्टेंट। अच्छा अगर यही भी नेगेटिव होता तो सिक्स आ जाता, फिफ्थ, सिक्स, सिक्स आ जाता उसके पीछे वाला। आई होप क्लियर हुआ। अच्छा अगर यहां पे जीरो होता तो कौन सा क्वाड्रेंट, अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इधर जो एक्सिस है उसके ऊपर आने वाले दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो जीरो होते हैं। अगर तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट जीरो, ओरिजिन, अगर कोई दो जीरो तो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, या तो वाई के ऊपर, या तो जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। अगर एक जीरो तो प्लेन होगा कोई ना कोई, और अगर तीनों के तीनों नॉन जीरो तो ऑक्टेंट होगा। तो ये रिकॉग्नाइज करने का तरीका। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, यस सर, यस सर, राइट, ये नोट करो।